तुम खुश रहने दो तब ना। तुम्हें डिवोर्स नोटिस का जवाब चाहिए था, ये लो डिवोर्स नोटिस का जवाब। वैसे मान गए, तुम्हें मान गए। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस शांति से तलाक चाहिए, और दूसरी तरफ तुम पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर ये बताना चाहती हो, ये जताना चाहती हो कि तुम पति की कितनी सताई हुई और तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। एलिमनी ना मांगकर तुम ये दिखाना चाहती हो तुम कितनी महान हो। महान नहीं, तुम महानता की मूर्ति हो, जिसे छोड़ते ही मैं बर्बाद हो गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी नौकरी चली गई, मुझे तुम्हारी हाय लग गई। एक तरफ तुम्हारा ये महानता का नाटक और दूसरी तरफ तुम्हारी ये घिनौनी चालें मुझे नीचा दिखाने की, मुझे जलील करने की, मुझे बर्बाद करने की। और ऊपर से याकड़, ये ईगो तुम्हारी। तुमने मुझे डिवोर्स नोटिस इसलिए भेजा ताकि तुम पूरी दुनिया को यह बता सको कि मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे छोड़ा है। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सब समझ में आएगा, समझ में भी आएगा और अकल भी ठिकाने आएगी। निकालो जरा सा नोटिस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सबके सामने पढ़ो पढ़ो पढ़ो, निकालो। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है। मम्मी मुझे दीजिए। समर क्या लिखा है? जो भी लिखा है ठीक ही लिखा होगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा होगा। क्यों बेटा गलत लिखा है? क्या लिखा है समर, पढ़ने? सब सच्ची है ना? अरे पर लिखा क्या है समर, पढ़ने। मम्मी इसमें लिखा है कि आप आगे पढ़ने, समझ। क्या लिखा है किंजल, बताओगी या मैं बताऊं? इसमें लिखा है कि आप मेंटली अनस्टेबल है, मतलब मानसिक रूप से बीमार। मानसिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से। आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आप अचानक वायलेंट हो जाती हो, आपके साथ रहना सेफ नहीं है। इन्हें डर है कि आप कभी भी पागलपन में इन पर अटैक कर सकते हो, इसलिए इन्हें आपसे डिवोर्स चाहिए। तू इतना कैसे गिर सकता है वनराज? अरे हमने तो तुझे दुश्मनी में भी शराफत में रहना सिखाया था, और तू। मैंने हर बात पे तेरा साथ दिया है, पर ये बात पे नहीं दूंगी। पापा ये सब क्या है? This is nonsense. आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मम्मी को मेंटली अनस्टेबल कह रहे हो? ये मेरे और मेरे वाइफ के बीच का पर्सनल मैटर है, तुम लोग बीच में मत ही पड़ो। याद है अनुपमा, तुम्हें कैसे पैनिक अटैक्स आते थे, कैसे तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे, कैसे वो उस दिन आधी रात में तुम बाहर गार्डन में झूले के पीछे जाके बैठ गई थी, याद है?
याद है शादी वाले दिन तुम कैसे बेहोश हो गई थी और उसके बाद तुम्हें फिर से पागलपन का दौरा पड़ता, याद है? अरे मैंने न जाने कितनी बार खुद तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ते हुए देखा है, न जाने शादी से पहले तुम्हें कितनी बार ऐसे अटैक्स आते होंगे। अब ये मत कहना कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, तुम भी जानती हो कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, दिमागी रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से बीमार हो तुम, मानती हो कि तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, मानती हो कि नहीं, मानती हो कि नहीं? के बाहर जाकर झूले के पीछे छुप गई थी, डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मतलब तुम मानती हो ये सब सच है ना? हाँ ये सच है, पर इस सच की एक वजह है। और क्या है वो वजह? वनराज शाह। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आपने आज ये सब जो किया है वो सबके सामने किया। अब तो सुम मुझे दोष नहीं देगा, माँ मुझसे नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि ये बेटा माँ पे तो क्या नफरत के भी लायक नहीं है। मेरी मुश्किल आसान करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये नोटिस का जवाब देने के लिए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आपको जो करना है कर लीजिए, जितना गिरना है गिर जाइए, जो इल्जाम लगाने लगा लीजिए, मैं भरी अदालत में सारी दुनिया के सामने आकर हर सवाल का जवाब दूंगी। आपने घर छोड़ दिया, मैंने डर छोड़ दी, अब मैं वो अनुपमा नहीं हूं जो आपके गुस्से के सामने डर से थर थर कांपे। सोचा था सराफत से ये कहानी खत्म हो जाएगी, पर अगर कहानी में अब भी कुछ पढ़ने लिखने बाकी है तो वो भी सही, लेकिन इस बार कहानी अलग होगी, क्योंकि इस बार अनुपमा अलग है। और ये बात आप याद रखिएगा, अगर अब अनुपमा अलग है तो मैं भी अब पहले वाला वनराज शाह नहीं, अब लिहाज नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी।